बिहार में चमकी बुखार ने तांडव मचा रखा है, जो अब तक तकरीबन 100 से ज्यादा बच्चों को निगल चुका है। पूरे उत्तर बिहार में इस समय एक तरफ तो गंभीर स्थिति बनी हुई है, वहीं एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफलाइटिस यानी चमकी बुखार पर राजनीति भी चमकने लगी है। चमकी बुखार में हुई मौतें अब राजनीतिक मुद्दा बनते जा रही है। पहले जरा ये तस्वीरें देखिए, जिसमें कुछ युवक अर्धनग्न अवस्था में काले झंडे दिखाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं बिहार की राजधानी पटना की। दरअसल हुआ कुछ यूं कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन बिहार में एक्यूट इंसेफलाइटिस सिंड्रोम और जापानी इंसेफलाइटिस के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्थिति का जायजा लेने एवं समीक्षा करने के लिए रविवार को मुजफ्फरपुर पहुंचे। यहां उन्होंने मुजफ्फरपुर के श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में मरीजों और उनके परिजनों से मुलाकात की। रविवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन की मौजूदगी में एक बच्ची ने दम तोड़ दिया। प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्ची की मां के मुताबिक बच्चे की मौत चमकी बुखार के कारण हुई है। वो 5 साल की थी, उसका नाम निशा है और वो राजेपुर की रहने वाली थी। केंद्रीय मंत्री की मौजूदगी में हुई बच्ची की मौत से राजनीति में गर्माहट आ गई और रोष प्रदर्शन करते हुए आज पटना एयरपोर्ट पर जन अधिकार छात्र परिषद के छात्रों ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को काले झंडे दिखाए और प्रदर्शन किया। नेतृत्व मनीष यादव, रोहन यादव और विशाल कुमार ने किया। मुजफ्फरपुर में बच्चों की हो रही मौत में बढ़ती जा रही लापरवाही से छात्रों में गुस्सा था, हालांकि वहां मौजूद पुलिस बल ने उन्हें हटा दिया। अब इसी तरह राजनीति चमकाती हुई दूसरी तस्वीरें देखिए। नजारा भी बिहार की राजधानी पटना की है। यहाँ युवा कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका। पटना के कारगिल चौक पर युवा कांग्रेस के सदस्यों ने पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। मुजफ्फरपुर में बच्चों के हुई मौत को बताया सरकार की लापरवाही। जरा सुनिए क्या कहना है नेताओं का। मुजफ्फरपुर में जिस तरह बच्चों की मौत की संख्या घट नहीं रही है बल्कि और बढ़ते जा रही है, ये आंकड़ा 200 के पार होने चली है और सरकारी दस्तावेज सरकारी आकलन के हिसाब से 80 से 90 ये झूठ बोला जा रहा है। बच्चों की संख्या 200 से अधिक हो गई है और इसमें स्वास्थ्य मंत्रालय और नीतीश सरकार की कोई लापरवाही के कारण वहाँ डॉक्टर भी मुहैया नहीं किया जा रहा है। जो बेड पे है आईसीयू का भी व्यवस्था ठीक नहीं है। जो बेड पे एक बेड पे तीन तीन चार चार बच्चों को इलाज हो रहा है, ये दिखाता है नीतीश सरकार फेलुअर सरकार है। वो सिस्टम पूरा कोलैप्स कर गई है, चाहे वो स्वास्थ्य में हो चाहे वो क्राइम में हो, हर चीज़ से ये फेलुअर हो चुकी है। नीतीश सरकार गए हैं दिल्ली जाके विशेष राज्य दर्जा की मांग करने। अरे जब हमारे बिहार में बच्चे ही नहीं रहेंगे तो हम लोग विशेष राज्य का दर्जा लेके क्या करेंगे। नीतीश सरकार को 1000 किलोमीटर दिख रहा लेकिन 70 किलोमीटर मुजफ्फरपुर जाने के लिए उनके पास टाइम नहीं है। क्या मांग है आपकी? हमारी मांग यही है कि जल्द से जल्द डॉक्टर का कमेटी बना के वहाँ पे जो बच्चे बच सकते हैं उनको तो बचाया जाए जल्द से जल्द, और मंगल पांडे जो इस्तीफा जो स्वास्थ्य मंत्री है उनको जल्द से जल्द इस्तीफा देने का काम है। मुकुल यादव, अध्यक्ष पटना महानगर युवा कांग्रेस। अब जरा तीसरी तस्वीरें देखिए। यहाँ लोकनायक जनता पार्टी सेकुलर ने कैंडल मार्च निकालकर मृत बच्चों के लिए अपना शोक व्यक्त किया। वहीं मुजफ्फरपुर मामले पर सरकार से 10 लाख मुआवजे की मांग की और कहा कि ऐसे मसलों पर तुरंत कार्यवाही की जानी चाहिए। जरा सुनिए लोक जनशक्ति पार्टी की क्या मांगे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी सेकुलर द्वारा मुजफ्फरपुर में चमकी बीमारी से मरने वाले बच्चों के शोक में आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है और इस तरह की घटना पूरे लोकतंत्र के लिए घातक है। सरकार को और स्थानीय प्रशासन को चाहिए इस तरह की घटना पर त्वरित कार्रवाई करना चाहिए और त्वरित कार्रवाई सरकार करेगी तो इस तरह की घटना में इजाफा नहीं होगा। सबसे पहले तो है कि जो घटना घटी है बृहद पैमाने पर 85 बच्चे मारे गए हैं, उस घटना पर सरकार जांच बिठाए और चिकित्सा प्रशासन को भी कटघरे में खड़ा करने का काम करे कि आखिर इतनी बड़ी घटना किया गया तो उस समय चिकित्सा व्यवस्था चिकित्सा प्रशासन कहाँ था। हम सरकार से मांग करते हैं कि इस घटना में त्वरित कार्रवाई हो और दोषी लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चमकी बुखार से मरने वाले बच्चों के परिवार को 4 लाख रुपए सहायता राशि देने की घोषणा की है। इसके अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने स्वास्थ्य विभाग, जिला प्रशासन और डॉक्टरों को इस बीमारी से निपटने के लिए जरूरी कदम उठाने के लिए भी कहे हैं। बीमारी की गंभीरता को देखते हुए अस्पताल अलर्ट मोड में हैं। वहाँ जरूरी सुविधाओं के साथ डॉक्टरों की आशा, आंगनबाड़ी सेविका व ANM की जिम्मेदारी भी तय कर दी गई है।
राकेश कुमार के संग दीपक कुमार की रिपोर्ट, पंजाब केसरी। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो पाए। यदि आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो कृपया पेज को लाइक कीजिए।